हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, आज है डंकी का डे नंबर टू और आज के दिन की एडवांस बुकिंग क्या कुछ कहती है तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आज की जो एडवांस बुकिंग है डे नंबर टू की, उसका ट्रेंड देख करके हो सकता है, पहले ही बता रही हूँ आपको, हो सकता है कि यार आपको लगे इतना कम एडवांस बुकिंग क्यों आई है। तो मैं आपको ये भी साथ में बता देना चाहती हूँ कि डंकी के साथ एक्चुअली क्या केस हुआ है, कि मुझे लग रहा है जितनी ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी उस टाइम पर डे वन पर, उतनी एक्सपेक्टेशंस लोगों की मीट तो नहीं हुई, लेकिन दिस इज अ डिसेंट मूवी। मतलब मैं अगर अपनी भी बात करूं आपसे, मैंने फिल्म देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इट वॉज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी, कोई नेगेटिव वाली चीज मुझे नजर नहीं आई, जितनी नेगेटिविटी मैंने कल सोशल मीडिया पर देखी है, विच रियली मतलब डिजर्व नहीं करती इतनी ज्यादा नेगेटिविटी। इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली देख करके एंजॉय कर सकते हो। देर इज नथिंग दैट यू आर गोइंग टू फील कि आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख पाओगे, बुजुर्गों के साथ नहीं देख पाओगे। तो मुझे कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर लगी। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग नंबर्स की, वर्डिक्ट की, बॉक्स ऑफिस की, तो कई फिल्में ऐसी होती हैं जो धीरे 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 अपनी जगह बनाती हैं, एंड डंकी इज गोना बी वन ऑफ देम। सो चलो नंबर्स की बात करते हैं, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नया सब्सक्राइब। ब्रीफ में आपको बताने वाली हूँ क्योंकि अभी मुझे आपसे कलेक्शन के बारे में भी बात करनी है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वक्त आज डे नंबर टू पर जो एडवांस बुकिंग जो है आ रही है, दैट इज कमिंग इन, दो फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं, 2D और ICE। इसकी एडवांस बुकिंग आज की डंकी की दिखाई दे रही है 9.03 करोड़, ठीक है। और इसी के साथ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड 2.76 लाख टिकट सोल्ड आउट है, 247 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस एंड 11,000 शोज है। ICE वर्जन से भी 85,000 की एडवांस बुकिंग है, 110 टिकट सोल्ड आउट है, 672 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है एंड 6 शोज है। इसी के साथ टोटल एडवांस बुकिंग ऑफ डंकी डे नंबर टू इज 9.05 करोड़, 2.76 लाख टिकट सोल्ड आउट एंड 11,000 शोज। अब आप देख रहे हो यहाँ पे शो काउंट्स भी थोड़े से कम हुए हैं पहले से, और इनफैक्ट मैं आपको अगर ये बताऊं कि शो काउंट्स तो कम हुए हैं सो हुए हैं, अभी ये जो एडवांस बुकिंग है ये 10 करोड़ से कम क्यों आई है, तो देखो यार डे वन की भी कलेक्शन जो थी ना वो भी 15 करोड़ के आसपास थी एडवांस बुकिंग, ठीक है। और उसके वर्सेस जो कलेक्शन आई वो बहुत ही बढ़िया आई है उसके हिसाब से। तो आप ये देख सकते हो कि कल था प्रॉपर वर्किंग डे, आज भी प्रॉपर वर्किंग डे है, लेकिन आज के दिन जिस तरीके के मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं बुक माई शो पे, ये कल से काफी बेटर है। और फ्राइडे को वैसे भी शाम और रात से अच्छी खासी एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ फिल्में जाने लगती है। तो मुझे लगता है ये इट इज जस्ट अ मोमेंट्री थिंग, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आता रहेगा डंकी का, वैसे वैसे ही इसकी कलेक्शन जो है ये राइज करती चली जाएंगी। वैसे भी डंकी का अगर हम बजट देखें, बजट रिकवरी बहुत जल्दी होने वाली है, बजट बहुत हाई नहीं था इसका, और मुझे लगता है यार हार्ट वार्मिंग स्टोरीज भी होनी चाहिए, सिर्फ एक्शन या सिर्फ मासी फिल्में देखकर हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कहीं कहीं पर किसी किसी को लग रहा था स्टोरी टेलिंग जो है इस फिल्म की वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रही, थोड़ी कमजोर रह गई कहीं कहीं पर, जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इट वॉज अ कंप्लीट एंटरटेनर। और मतलब वन टाइम वॉच आप इसको आराम से कह सकते हो, इसकी टिकट प्राइसिंग बहुत अच्छी है। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट हियर पिचिंग डंकी, मैं डंकी को पिच नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि ये जो नेगेटिविटी आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हो ना उस पर मत जाना, इतना कुछ नेगेटिव वाला नहीं है। सो आई वुड से गिव इट अ चांस, आपको पसंद आने वाली है। बाकी क्या कुछ रहता है आगे बॉक्स ऑफिस का वो मैं आपको जरूर बताऊंगी इन अ डिफरेंट वीडियो जिसमें हम डे वन की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। आई फील लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टार्ट।